वेलकम बैक टू ए टू जेड ऑनलाइन अनबॉक्सिंग फ्रेंड्स। मैं आज ये जो बड़ा सा पैकेट है उसको अनबॉक्स करूँगा। इसमें अमेरिकन टूरिस्टर का एक ट्रॉली बैग है, तो मैं अनबॉक्स करूँगा, उसका मेज़रमेंट भी दिखाऊँगा और उसका जो क्वालिटी है वो भी चेक कराऊँगा। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का वीडियोज़ के लिए, और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंदर इसको खोलने के बाद इस तरह का कुछ प्लास्टिक रैपर में इसको पैक किया हुआ है। पैकिंग बढ़िया है, आउटर कर्टन भी बढ़िया दिया हुआ है ताकि कोई स्क्रैच या फिर डेंट फेंट नहीं आए इसमें। तो चलिए इसको भी बाहर निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने बॉक्स से बाहर निकाल दिया है। इसको मैंने बिग बिलियन डे में परचेज़ किया था 2100 में। तो चलिए देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। तो इसको अनरैप करते हैं। ये देखिए मैंने इसको अनरैप कर दिया है। मैं आपको क्लोज व्यू दिखाने की कुछ कोशिश करता हूँ। तो देखिए इस तरह का कुछ मटेरियल है, ये अमेरिकन टूरिस्टर की बैजिंग, ये जिप का नॉब है, बैक साइड व्यू है ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अमेरिकन टूरिस्टर ये जो ट्रॉली है इसको बाहर निकाल दिया है, और अनपैकिंग करने के बाद कुछ ये इस तरह का दिखता है। इसका साइज़ और स्पेसिफिकेशंस मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये ऊपर का टॉप पोर्शन है, यहाँ पे अमेरिकन टूरिस्टर की बैजिंग है, थ्री इयर्स वर्ल्ड वाइड वारंटी है। ये इसका प्राइस आप देख सकते हैं, मैंने बिग बिलियन डे में इसको ख़रीदा है 2100 में 2100, और इसका साइज़ का स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, मॉडल सिल्वर स्पिनर 68 सेंटीमीटर। इसका मेज़रमेंट भी मैं आपको करके दिखा दूंगा ताकि आपकी परचेज़ करने में आसानी हो। तो ये एक छोटा फैमिली के आउटिंग के लिए ये काफ़ी सही है, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कन्वीनियंट है। इससे बड़ा साइज होगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा हैंडलिंग में। ये इसका बैजिंग, ये डिज़ाइन, कुछ डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स दिया हुआ है, डिज़ाइनिंग अच्छी लग रहा है देखने में। थोड़ा सा देखने के बाद आपको रागिड और टफ फील होगा। और ये वाला ऊपर का जो मटेरियल है पॉलीकार्बोनेट का, ये टेक्सचर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए स्क्रैच नहीं आएगा आसानी से। तो ये रहा इसका फ्रंट पोर्शन,
रहा जिप का हुक्स और इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये रहा फ्रंट का और ये बैक का लुक है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम बैक, काफी एलिगेंट है ये व्हील्स। इसका लॉक ये हैंडल पे भी बैजिंग दिया हुआ है अमेरिकन टूरिस्टर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का किसी भी तरह का अनबॉक्सिंग जो मैं परचेज करता हूँ प्रोडक्ट, वो उसका अनबॉक्सिंग मैं आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आपकी परचेजिंग डिसीजन में आसानी हो सके और किफ़ायती का सौदा रहे ताकि बाद में कोई रिपेंटेंस ना हो। पहले देख लीजिएगा उसके बाद परचेज कीजिएगा। ये रहा साइड व्यू, लॉकिंग है। ये लॉक नंबर को जो 000 में है इसको सेट करना पड़ेगा, तो लॉक कैसे सेट करें उसको, उसका जो प्रोसीजर है वो मैनुअल में दिया हुआ है। इसको प्रेस करके ये नंबर को सेट करना पड़ेगा, जो भी नंबर आपको कन्वीनियंट लगे। फिलहाल तो इसमें 000 का सेटिंग है। ये साइड का हैंडल सॉफ्ट टच मटेरियल है, फ्लेक्सिबल है, ये देख सकते हैं आप, फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट टच भी है। ये साइड भी, ये साइड से नीचे का पोर्शन, अगर आपको साइड से इसको ग्राउंड पे रखना हो तो यहाँ पे ये वाला जो स्टड्स दिया हुआ है रहा स्टैंडिंग पोजीशन में, अगर आप इसको रखें तो ये व्हील्स, फोर व्हील्स हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने इसको पूरा ओपन कर दिया है और ये पूरा 50-50 ओपन हो जाता है। ये अंदर का पोर्शन डार्क कलर में दिया हुआ है और इसमें भी जो पैराशूट कपड़ा है तो उसमें भी अमेरिकन टूरिस्टर की बैजिंग है। ये लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह से आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ये नीचे का पोर्शन में एक चेन दिया हुआ है, ये लॉक है। इधर भी एक चेन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर भी एक कंपार्टमेंट और इसमें भी चेन दिया हुआ है। ऐसा कुछ अंदर से दिखता है, तो मैंने कोशिश की है पूरा का पूरा व्यू मैं आपको दे सकूं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसको आप परचेज कर सकते हैं। परचेजिंग लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको मेजरमेंट एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका मेजरमेंट, इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा होगा अगर आप स्ट्रेट मेजरमेंट करें तो।
कॉर्नर में मेजरमेंट करें तो 29 inches, 28, तो आप श्योरली इसको बाय कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज बढ़िया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।